श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। आज के समय में हर कोई बड़ा शीघ्र धनवान बनना चाहता है, माला माल बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है और अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहता है। लेकिन कई बार होता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता, हमारी किस्मत की लकीरें जागृत नहीं होती या फिर हमारी कुंडली में कुछ ग्रहों की ऐसी चाल होती है जिसके कारण हमें थोड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, हमें धन की तंगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सभी बातों से निकलकर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसे आप करेंगे तो केवल एक महीने के अंदर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, आपके घर में जो आर्थिक तंगी है, धन की तंगी है, वो शीघ्र दूर होगी। केवल आपको एक रुपए के सिक्के के साथ ये उपाय करना है। बड़ा ही अचूक उपाय है। हर कोई अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, माला बाल बनने के लिए, पैसे वाला बनने के लिए ये उपाय को कर सकता है। तो छोटी सी वीडियो है, पूरा जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो बात कर रहे हैं माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की कृपा हर कोई पाना चाहता है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। गरीब के पास पहले से ही धन नहीं है तो उसे धन की कामना बहुत शीघ्र वो धन पाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। और जो पहले से ही माला माल है वो चाहता है कि उसके पास और धन आए। यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा हर कोई पाना चाहता है, चाहे किसी के पास पैसा है या नहीं है। अगर थोड़ा है तो ज्यादा पाना चाहता है, बिल्कुल नहीं है तो उसे पाना चाहता है ताकि वो अपने जीवन को आराम से जी सके, ऐशो आराम की जिंदगी जी सके, अपनी हर कामना को पूर्ण कर सके। क्योंकि आज के समय में पैसा जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के बिना हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, हमारा कोई काम नहीं बनता है या फिर जो है हमारी कोई भी अगर इच्छा है जिसे हम पूर्ण करना चाहते तो उसके लिए धन जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए धन प्राप्ति के लिए एक उपाय जो बताने वाली हूँ, हर कोई, जी हाँ, यहाँ पर एक बात क्लियर करूंगी, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए हमने केवल एक रुपए का सिक्का चाहिए। जी हाँ, उपाय जो करना है आपने, जैसे आप आपके घर का जो मंदिर है, पूजा घर है, जहाँ पर आप रोज दिया लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप बैठकर मंत्र जाप करते हैं, आपने गुरु धारण किया है, नाम जाप करते हैं, तो आपने इस उपाय को अपने घर में ही करना है जहाँ पर आपका मंदिर है, पूजा घर है। जी हाँ, आपने क्या करना है, जब रोज सुबह दिया लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपने एक नियम बनाना है। जी, ये जो उपाय है घर की स्त्री महिला भी कर सकती है, या घर का अगर पुरुष जो है वो दिया लगाता है, जोत जगाता है, तो वो भी इस उपाय को कर सकता है। अगर तो महिला करती है तो जैसे आपका पति है, रोज अपना कमाई करके आता है, उसकी तनख्वाह आती है या फिर रोज के रोज उसे पैसे मिलते हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी पति की कमाई में से आप एक रुपए का सिक्का, आप 10 रुपए या 5 रुपए, यहाँ पर आपकी श्रद्धा है, आप 1 रुपया निकालना चाहते हैं, 5 रुपए निकालना चाहते हैं, 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी पहुंच है, जितनी आपकी कमाई है उसके हिसाब से आपको जितना हो सके आपको पैसे निकालना है। लेकिन एक चीज और है, अगर आप 5 रुपए निकाल रहे हैं तो रोज आपको 5 रुपए ही निकालने पड़ेंगे। अगर 1 रुपया निकाल रहे हैं तो रोज 1 रुपया, 2 रुपए निकाल रहे हैं तो रोज 2 रुपए आपको निकालने पड़ेंगे। मान लीजिए आप 1 रुपए का सिक्का आप रोज निकाल रहे हैं, आपने रोज सुबह जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, सुबह दिया लगाते हैं, चाहे शाम को लगाते हैं, उपाय ये चीज आप कभी भी सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, दिया लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपने क्या करना है, अपनी कमाई का 1 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए आपने अपने पूजा घर में, मंदिर में आपने इसे रख देना है। जैसे आप अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम के समय आपने 1 रुपए का सिक्का रख देना है, पूजा पाठ करिए, उसके बाद अगले दिन फिर आपने शाम को पूजा करनी है, फिर आपने उस दिन दोबारा से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर रख देना है। ऐसे एक छोटी सी डिब्बी, एक छोटी सी गुल्लक आप अपने घर के मंदिर में आप रख सकते हैं, रोज आपने 1 रुपए का सिक्का उस गुल्लक के अंदर डालते जाना है, या 5 रुपए का सिक्का, ये आपकी श्रद्धा है। डालते हुए इस उपाय को जो आप करेंगे, आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, सोमवार के दिन से, मंगलवार के दिन से, लेकिन आप एक तारीख नोट कर लीजिएगा कि इतनी तारीख से आपको शुरू किया। वैसे तो मैं ये बताना चाहूंगी, आप विशेष तिथियां जो होती हैं, एकादशी की तिथि हो गई, या फिर जो है त्रयोदशी की तिथि हो गई, प्रदोष का दिन जिस दिन होता है, या फिर पूर्णिमा हो गई या अमावस्या हो गई, इन तिथियों को आरंभ करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। मान लीजिए आप एकादशी तिथि के दिन शुरू कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुरू कर रहे हैं, तो अगले महीने जो शुक्ल पक्ष की आपकी एकादशी पड़ेगी,
तब आपके पास जितने भी पैसे इकट्ठे हुए हैं, मान लीजिए अगर एक एक रुपया डाल रहे थे तो आपके पास 30 रुपए इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको आपने निकाल कर आपके घर के पास कोई छोटी कन्या है, जैसे हम कन्या पूजन करते हैं तो 9 साल से छोटी, 7 साल से छोटी कोई भी कन्या है, तो आपने ये सारे पैसे आपने उसे भेंट के रूप में दे देने हैं। उसके बाद जैसे आपकी श्रद्धा हो, अगर और कोई उपहार देना चाहते हैं तो वो आपने दे देना है, उसके चरण स्पर्श करिए। मात्र इतना सा नियम बना लीजिए कि आपको रोज जितनी आपकी श्रद्धा हो आपने धन साइड में निकालना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन संपदा में जो है वो वृद्धि होती है, बरकत आती है। क्योंकि अगर वैसे आपको बोले कि महीने का 100 रुपए या 500 रुपए किसी को दान में दो तो कोई नहीं देता है। मैं आपको जो सच बता रही हूँ, किसी से नहीं दिए जाते हैं, कोई होगा जो दे सकता है। लेकिन अगर आप रोज का 1 रुपया 2 रुपया निकालेंगे तो आपको भी तंगी नहीं होगी और आप बड़ी खुशी से इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही नियम बनाइए, रोज जब भी पूजा करें अपने कमाई का थोड़ा सा हिस्सा आप अवश्य साइड में निकालें और महीने के बाद किसी भी कन्या को आपने यहाँ पर भेंट के रूप में देकर आना है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने कमाई का हिस्सा जब आप किसी को भेंट के रूप में देते हैं तो इससे पैसे घटते नहीं है, इससे पैसे बढ़ते हैं। दान करने से पैसे कभी कम नहीं होते, पैसे हमेशा बढ़ते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा दान करना अवश्य शुरू करिए, इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो बहुत ही अचूक उपाय है, किसी भी दिन से इस उपाय को शुरू करें। फिर भी मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।